तो दोस्तों ये देखिए, ये रामदाना है जो उस दिन हमने पौधा दिखाया था रामदाने का। तो एक सिस्टर है हमारी, उनका नाम है कनक। तो कनक जी ने ये पूछा था कि दीदी अब मैं रामदाना तो ऐसे नहीं जानती हूँ, आप दिखा सकती हो तो दिखाना। तो देखिए सिस्टर, ये रामदाना है और ये भुना हुआ रामदाना है। और कच्चा वाला मैंने भेजा था बेटे को लाने के लिए, लेकिन वो नहीं मिला, तो ये भुना भुना रामदाना लेकर आया है। और इसका लड्डू बनता है, पपड़ी बनता है, और ये व्रत में खाया जाता है, और वैसे भी ये दूध में खाया जाता है। तो रामदाना ये भुना हुआ है, तो शायद आप समझ गई होंगी। अगर नहीं समझी होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कच्चा वाला भी मंगा करके आपको दिखाऊंगी। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाई बहनों को राम राम, जय माता दी, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों सिस्टर ने ये पूछा था जब हम उस दिन आप लोगों को खेत और खलिहान टहलाए थे तो रामदाना का पौधा दिखाए थे, तो वो शायद समझ नहीं पाई थी और कह रही थी कि दिखाना, तो वही मैं दिखाई हूँ। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा, मैं कच्चा वाला रामदाना दिखाऊंगी। और आज मेरी कोई रेसिपी की वीडियो नहीं है, ना ही कोई ब्लॉग है। आज मैं अपने बारे में कुछ बातें करूंगी, अपना परिचय दूंगी। और आप लोग, मतलब पहले जो लोग हैं वो तो जानते होंगे मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, लेकिन जो लोग मेरे नए भाई बहन जुड़ रहे हैं वो लोग नहीं जानते हैं। और ऐसे हर वीडियो में आ जाता है कमेंट, तो इस पर मैंने सोचा कि चलो मैं एक वीडियो बनाकर डाल देती हूँ और आप लोग जान जाएंगे। और कोई भी अगर आप लोगों को सवाल पूछना हो तो आप लोग कमेंट करके बेझिझक पूछिएगा, मैं बताने की कोशिश करूँगी। और थोड़ा लेट में ही बताऊँगी लेकिन ज़रूर बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं और मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब ना ही गरीब हूँ ना ही अमीर हूँ। और हमारा नाम रिंकी है और मेरे हस्बैंड का नाम है रमेश। तो हमारे हस्बैंड जॉब नहीं करते हैं, बिजनेस करते हैं, छोटा सा ही बिजनेस है, लेकिन क्या करते हैं अभी मैं नहीं बताऊँगी। जब थोड़ा सा हमारा फैमिली बड़ा हो जाएगा तब मैं बताऊंगी। और मैं कहाँ से हूँ ये भी जान लीजिए, मैं गोंडा ज़िले से हूँ और बस्ती ज़िले में हमारा मायका है और अयोध्या के पास ही हमारा घर है। नहीं है, थोड़ा दूरी है अयोध्या से, गोंडा ज़िले में ही पड़ता है। तो हमारा ससुराल गोंडा ज़िले में है, अयोध्या के पास, हमारा मायका बस्ती ज़िले में है। और हम चलिए अब बताते हैं हमारे मायके में कौन कौन है और हमारे ससुराल में कौन कौन है। तो सबसे पहले मैं अपने मायके वालों के बारे में बात कर लेती हूँ। तो हमारे मायके में हम 5 बहन हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ और हमारी 5 बहनों की शादी हो चुकी है और एक भाई है, उसका भी शादी हो चुका है, उसका भी एक बेटा है जो प्यारा सा स्वीट सा आर्यन है, जो मैं कई वीडियो में आप लोगों को दिखाई हूँ। और बहुत जल्द मैं मायके जाने वाली हूँ तो आर्यन से आप लोगों को बहुत मतलब मिलवाऊँगी। उसका बर्थडे भी आने वाला है तो उसमें मैं आप लोगों को आर्यन से भी मिलवा दूंगी। और मेरे पापा नहीं हैं दोस्तों, मेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ था तो 2012 में हमारे पापा एक्सपायर हो गए थे। और 3 बहनों की ही केवल शादी किए थे और 2 बहन और एक भाई बच गए थे। तो उनका शादी हम बहनों ने मिलकर किया, अपने भाई और बहनों का मिलकर किया। और हमारी मम्मी हैं तो मम्मी भी हमारा मतलब ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं और दवा उनका हमेशा चलता रहता है, उनके पैरों में प्रॉब्लम है। और एक बार वो गिर पड़ी थी तो उनका कमर का जो नस होता है वो दब चुका है और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। तो उनका भी हैं और मम्मी से भी जाने वाली हूँ मिलने। और मैं मायके दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं जा पाती हूँ, करीब 2-2 साल हो जाते हैं मायके जाने, क्योंकि यहाँ पे भी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। तो सासू अम्मा यहाँ पे हैं तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे हैं तो बच्चे को भी ध्यान करना पड़ता है। बहुत मैं जाती हूँ तो हफ्ते भर से ज़्यादा नहीं रह पाती हूँ, वैसे बीच में 1-2 बार जाती हूँ तो हस्बैंड जी के साथ जाती हूँ, फिर दिन भर में ही लेकर चले आते हैं, ऐसा होता है। लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, नहीं जा पाई हूँ। लॉकडाउन में गई थी तब से नहीं जा पाई हूँ। तो ये मेरे ससुराल
मायके वालों की हो गई परिचय, अब मैं बताती हूँ अपने ससुराल वालों के बारे में। तो हमारे हस्बैंड जी चार भाई हैं और एक बड़े भाई जो हमारे जेठ जी थे वो नहीं हैं, जो मैं अपने वीडियो में अपनी जेठानी जी को दिखाती हूँ तो वो सबसे बड़ी हैं, और उनसे छोटी एक लोग और हैं, उसके बाद मैं हूँ तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर एक लोग और हैं। और सब लोग मतलब बिजनेस ही करते हैं, गांव में रहते हैं। हमारा घर गांव में ही है, मतलब सड़क के किनारे पर हम लोग रहते हैं। और एक सिस्टर बोलती हैं कि आपके वीडियो में बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड आवाज़ आती रहती है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि सड़क के किनारे ही घर है तो हमेशा गाड़ी मोटर चलते रहता है, तो इस वजह से आवाज़ आती रहती है। तो चार भाई हैं और पांच बहन हैं हमारी हस्बैंड जी के, पांचों मतलब पांचों बड़ी लोग हैं हमारे, मतलब भाइयों से सब लोग बड़ी थी, तो सब लोगों का शादी मतलब हो चुका है, उनके बच्चों की भी शादी हो चुकी है, मतलब सब लोग नाती पोते वाली हैं, सब लोग मतलब बहुत एज वाली हैं। और सासू अम्मा हमारे हैं, हमारे ससुर जी नहीं हैं। हमारे ससुर जी हमारे दीपांश के पैदा होने से पहले ही एक्सपायर हो गए थे, तो जितने दिन का दीपांश हुआ है उतना दिन हो गया होगा हमारे ससुर जी को एक्सपायर हुए। और तीन भाई हैं और सब लोग मतलब जॉइंट फैमिली नहीं हैं, ऐसा है जब काम वगैरह पड़ता है तो सब लोग एक हो जाते हैं, लेकिन वैसे तो सब लोगों का घर बन चुका है, सब लोग अपने अपने घर में रहते हैं और अपना अपना करते हैं और खाते हैं। तो ये हो गया हमारे ससुराल वालों के बारे में जानकारी। और सासू अम्मा हमारे ही साथ रहती हैं, मुझे उनका सेवा करने का अवसर मिलता है, और सबके घर मतलब जाती रहती हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जाती हैं, सबके पास जाती हैं, लेकिन रहती हमारे ही साथ हैं। और मेरे तीन बेटे हैं, सबसे बड़ा वाला बेटा मेरा 16 साल का है, और उससे छोटा वाला बेटा मतलब मझिला वाला बेटा 14 साल का है, और दीपांश हमारा 10 साल का है, तो आप लोग समझ गए होंगे। और तीनों मेरे बच्चे पढ़ते हैं, 11वीं में शिवा है और 8वीं में शिवांश है, और 5वीं में दीपांश है। तो दीपांश से आप लोग मिल चुके हैं, शिवा से मिल चुके हैं, लेकिन शिवांश से नहीं मिले हैं, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, वो नहीं आता है वीडियो में। तो शायद आप लोगों को मेरी परिचय के बारे में पता चल गया होगा। और अगर आप लोगों को जानना होगा कि मैं YouTube पर क्यों आई, कैसे आई और किस तरीके से आई, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। तो दोस्तों, मैं अपने बारे में बता चुकी हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ दोस्तों, और मुझे इंग्लिश पढ़ना उतना नहीं आता है, हिंदी में ही मैं ज़्यादा काम करती हूँ। और लेकिन जब से मैं यूट्यूब पे आ गई हूँ तब से थोड़ा बहुत मुझे इंग्लिश पढ़ना आ गया है, और जो कमेंट में नहीं पढ़ पाती हूँ वो हमारे बच्चे पढ़ के मुझे बता देते हैं। तो शायद आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जो भी गलती हुई होगी उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और आप लोग ये भी सोचते होंगे हस्बैंड जी को क्यों नहीं लेकर आती हैं वीडियो में, तो हस्बैंड जी मैं बता चुकी हूँ वो बिजनेस करते हैं, तो कभी घर पे रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, उनका काम बाहर ही रहता, मतलब दुकान नहीं है, दुकान पर बैठकर सामान नहीं बेचते हैं, गांव जाकर सामान बेचते हैं दोस्तों, तो इस वजह से वो कभी घर पे रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, तो यही वजह है जो मैं उनको नहीं ला पाती हूँ। और जब रहते हैं तो मैं लाती हूँ, दिखाती हूँ और मिलवाती भी हूँ आप लोगों से, और बहुत ही जल्द मैं उनसे आप लोगों को मिलवाऊंगी और उनसे भी कुछ बातें करवाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अगर कुछ मिस्टेक हो गया हो बोलने में तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।